स्टूडेंट, तो आज मैं आपको एक तीन ब्लड ग्रुप करने वाला हूँ। तीन ब्लड ग्रुप में आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्या है। यहाँ पे हमने तीन नंबर डाल दिया और पेशेंट के नाम के हिसाब से हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, और आपको ये बताना है एक नंबर कौन सा है, दो नंबर कौन सा है, तीन नंबर कौन सा है। तो हम अपने नाम के हिसाब से जो है हम पेशेंट का सैंपल ले लेते हैं। ये ब्लड ग्रुप बहुत ही क्लियर और प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, तभी हमें क्लियर रिजल्ट भी आता है। तो आपको बस कमेंट में बताना है कि कौन से पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है, और जो मैंने अरेंज किया हुआ है मैं वो हिसाब से ले रहा हूँ, और आपको सिर्फ बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से पेशेंट का है। ये हमने एंटी ए लिया, एंटी ए हर एक पेशेंट के फर्स्ट वाले पॉइंट पे लेना है ताकि एंटीजन ए हमें क्लियर समझ में आए। अब हम एंटी बी ले रहे, कभी भी वन वन ड्रॉप ड्रॉप करना रहता है, लेकिन कभी भी ब्लड सैंपल के सरफेस से टच करके नहीं, जस्ट थोड़ा सा ऊपर से। ये हमने ले लिया, अब स्लाइड के हेल्प से हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से। स्लाइड के चारों कॉर्नर से आपको एक एक रिंग को मिक्स कर लेना है, और याद रखना, ध्यान से करना कि किसी भी सेम रिएजेंट को सेम कॉर्नर से मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। और ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना, आप जिस स्लाइड पे टेस्ट कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि आपने जस्ट किसी और पेशेंट का टेस्ट किया और फिर तुरंत आप उस पे कर रहे हो तो वो मिस हो जाएगा, आपको वो रॉन्ग आ सकता है। ये हमने मिक्स कर लिया, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते। ये एक वेव होता है जो हमें सर्कुलर डायरेक्शन में हमारे स्लाइड को रोटेट करना रहता है, और वो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस इसमें देखने मिल जाता है। सेम हमें इस स्लाइड को भी मिक्स कर लेना है, और इसमें भी हमें सेम रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा ब्लड ग्रुप आया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।